जनपद सोनभद्र रेणीकूट नगर इस समय हूँ झरना बस्ती वार्ड नंबर 7। यहाँ पर पिछले दिनों जो सूचना दिखाई गई थी काफी घर गिर गए थे, तो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह जी भी आई हैं और प्रयास फाउंडेशन के श्री दिलीप दुबे जी भी आए हैं जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हैं। देखिए काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं आकर के और जनपद के या अंतर जनपदीय लोग भी इस सहायता के लिए लोग इनसे संपर्क भी किए हैं और यहाँ पर सामग्री और ये त्रिपाल वगैरह जो बांटा जा रहा है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जो दिलीप दुबे जी हैं और निशा सिंह जी भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि इन लोगों की सहायता के लिए आगे और क्या कार्य होने वाला है। जी हम लोग के प्रति मतलब जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम लोग भी कष्ट में हैं और इसकी जानकारी नगर पंचायत रेणुकूट की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निशा सिंह जी के द्वारा मुझे मिला जी। और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सोनभद्र का आजीवन सदस्य हूँ जी। तो मुझे उचित समय लगा कि हमारे नगर में रेणुकूट में मैं रहता हूँ, रेणुकूट के लोग दुख में हैं, परेशानी झेल रहे हैं। तो मैंने कल जो डिप्टी CMO हैं और रेड क्रॉस के सचिव हैं डॉक्टर सुमन जी, उनसे यहाँ का कुछ वीडियो और फोटो भेजा कि सर इस तरह की बात है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। वो बोले कि देखिए अभी तो हमारे पास त्रिपाल उपलब्ध है जो बहुत बड़े साइज का है, देखा गया है 20x20 का है, अच्छी क्वालिटी का है जी। तो रात विक्रमा जी के सहयोग से गाड़ी करके वहाँ से मंगाया गया और हम लोग की एक टीम विजिट की, जिनका घर का छत गिरा है उन 10-12 लोगों को हम लोग अभी त्रिपाल दिए हैं और बाकी जो 25 घर प्रभावित हुआ है उन सभी को हाइजीन किट दिया जा रहा है, जिसमें नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है, सर्फ है, पेस्ट है, ब्रश है, सैनिटरी पैड है, बिस्किट है, ये सामग्री दिया जा रहा है। तो मैं निशा सिंह जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके द्वारा ये सेवा करने का हम लोग को मौका मिला और उन्होंने मुझे बताया, नहीं तो हम लोग को मालूम नहीं था जी। देखिए जो दैविक आपदा होती है इसमें किसी का बस नहीं होता है और सभी लोग जब ऐसी दैविक आपदा में सहयोग करते हैं एक दूसरे की और उनको राहत भी मिलती है। मैडम जी आप क्या कहना चाहेंगी जो घर गिरी से लोग जो परेशान है और इनकी सहायता के लिए? पहले तो आपको धन्यवाद करती हूँ पत्रकार महोदय। 30 तारीख को जो मूसलाधार बारिश हुआ इसमें हमारा नगर पंचायत का बहुत पुराना वार्ड है जी। वार्ड नंबर 7 झरना बस्ती है। हमको कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है, बहुत लोगों का घर गिर गया है। आप आ करके मैडम एक बार सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए, हम लोग का पूरा सामान बह गया है। तो हमने उस दिन नहीं आ पाया, किसी कारणवश मैं बाहर थी। फिर सुबह में मैंने आई तो देखी हर घर में घुस करके बहुत ज़्यादा नुकसान था इन लोगों का। इन लोग को न खाने का कुछ था, न तो बैठने का जगह था, न तो इनके बच्चे हमको दिखे। कहीं लोगों का कहना था कि बच्चे भी कहीं दूसरे जगह हम लोग रखे हैं क्योंकि हम लोग डर चुके हैं, हम लोग भयभीत हो चुके हैं। मैडम कभी भी बारिश में हो सकता है, एक दिन में हुआ है, रात में हुआ होता तो शायद हम लोग परिवार सहित नहीं बचते। आपसे जो हो सके तो आप कर दीजिए, नहीं हो सके तो भाई अब तो आने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं, देखने के लिए देख करके जा रहे हैं। अब हम लोग का जैसे बीतेगा ऐसे बिताएंगे। नाले के पास तो हम लोग बसे हैं लेकिन नाले के पास इन लोगों ने अभी नहीं बसे, इन लोगों ने 50 वर्ष से बसे हैं। आवाज जो आफत आई हुई है, रेलवे का काम चल रहा था, नगर पंचायत का क्षेत्र है, ये निरीक्षण बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो हम लोगों से बहुत वार्ता भी चल रहा है, बहुत बहुत जगह पर भी हम निवेदन किए हैं अपने ऐसे ऐसे एजेंसियों को, जैसे हमारे दिलीप दुबे जी हैं प्रयास फाउंडेशन के, इनसे बोले, इन्होंने एक दूसरे जगह फिर क्रॉस जो बता रहे हैं वहाँ पे बात किए CMO साहब ने रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत। फिर अभी हमारे यहाँ लायंस क्लब में बात किया गया, रोटरी क्लब में बात किया गया है, स्थिति में छोड़े हुए हैं। यदि ये सही ढंग से इसको सुधार दिया गया होता, नाली का पानी निकासी सही कर दिया गया होता तो शायद स्थिति नहीं बनी होती और ये बस्ती डूबी नहीं होती और इन मजदूर भाइयों का इतना नुकसान नहीं होता। आज इन लोगों की गरीबी चरम सीमा में है जो कि हम लोग लगे हुए हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, निशा सिंह जी का इनका जो व्यवहार है और पॉपुलरिटी है, जो लोगों से परिचय है, उसका ही फायदा उठा रहे हैं आज अपने वार्ड के लोगों के लिए। भाई आज उनके वार्ड में लोग हैं, उनको आवश्यकता है, ये बोल रही हैं कि आप लोग भी जुड़िए करिए, जिसके तहत हम लोग आए हैं। तो इसका इन वार्ड वासियों से अनुरोध है कि इसका धन्यवाद निशा सिंह जी को दें जिनके वजह से हम लोग को जानकारी हुआ आज आप लोगों के बीच जी। देखिए सभी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसी मुसीबत के समय पे और सभी लोग आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए सामान जो वितरण की गई उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और मैं टीम के लोगों से भी बातचीत करूंगा कि ये जो योगदान होता है ऐसे लोगों की मदद करने में, सहयोग दिया जा रहा है यहाँ पर जो लोग परेशान हैं इस दैविक आपदा से।
घबराइए मत, सबको तक पहुँचेगा। कि आप लोग सब लोग इसमें आए और मैं तो इस टीम का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो यहाँ की समस्या आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। हमारा आगे भी प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम लोगों की समस्याओं को मैं कहाँ तक पहुँचा पाऊँ, कोशिश करेंगे कहाँ तक लोग मदद करके उनका पूरा गिरा है, उनके लिए लंबा चौड़ा चाहिए। देखिए होता क्या है, ऐसी जब घर बिल्कुल बह जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, बच्चों की कापी किताबें पेंसिलें ये भी बह गई है। अगर आप अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं तो इन बच्चों की भी आप मदद करें, चाहेंगे जो आपको सामग्री मिली इसके बारे में। बस्ती में जो रसद सामग्री और त्रिपाल वगैरह बांटे जो गए हैं, पूरी टीम के साथ में इस समय वहाँ पर उपस्थित हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सोशल मीडिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है कि कल का वीडियो वगैरह आप लोग देख के यहाँ तक आए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टीम निशा बबलू सिंह के सदस्य गढ़ों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसे कंपनी में भी बात किया गया है और कई संस्थाएं हैं जिनसे बात किया गया है। एक रेड क्रॉस करके संस्था है जो कि प्रयास फाउंडेशन के ऑनर जो दिलीप दुबे हैं उनसे कल हम लोग वार्तालाप किए, जिसके उपरांत 10 परिवार के लिए त्रिपाल और कुछ साबुन ब्रश भी और औरतों के लिए पैड वगैरह ये सब वितरण किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों का घर गिरा हुआ है, हम लोग का पूरा ये प्रयास है कि आने वाले समय में इनका घर पहले की तरह हो जी। कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे सोनभद्र में जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर आपके कानों तक हम लोगों की बात पहुँचती है तो मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जो 15-20 परिवार को नुकसान हुआ है इस बारिश से, उनका सहयोग करने के लिए आप लोग आ गए हैं जी। आएंगे तो कम से कम लोगों का आपके द्वारा अगर मदद होगा तो बहुत आशीर्वाद और पुण्य के भागीदार जी। हवानी यादव भैया सुन लीजिए, ये जिसको त्रिपाल दिया जा रहा है उनके छत पर लग जाएगा तो फोटो जिला में भेजना है। दे दीजिए बिपिन, तो ये बिपिन जी का मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। निरंजन कुमार हरिशंकर यादव, हरिशंकर यादव ये भूपेंद्र, भूपेंद्र भैया उपेंद्र दूटे हैं भैया, पूनम देवी, पूनम देवी पूनम देवी है ना इनका हो गया। अब संजय कुशवाहा इनके घर पे है, हम पहचानते नहीं आप लोग, पहचानते हैं ग्रुप पे फोटो। आपका घर किधर है? देखिए जनसेवक ऐसा होना चाहिए कि आपका में रेनू के लोग ही बनारस दिल्ली पटना से भी लोग आ जाएंगे का संपर्क करें। जो सामग्री बांटी जा रही है क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हमको बहुत अच्छा लगा जो भाभी निशा भाभी पार्टी है त्रिपाल, हमको देख के बहुत अच्छा लगा जी। कितने घर गिरे थे यहाँ पे? कम से कम घर यहाँ तक गिरे हैं 20-25 घर गिर गया। देखिए काफी लोग परेशान भी हैं, ऐसे ही अगर मदद मिलती रही तो इन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। प्रयास यही करिए, इन लोगों को मदद पहुंचाइए, अगर आप भी आ सकते हैं तो मदद कर सकते हैं। देखिए सभी लोग तन मन से जुटे हुए हैं इन लोगों की मदद के लिए, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।